मान लीजिए कि एक सवेरे आप सोकर उठते हैं और आपके घर वाले आपको घर से निकाल देते हैं। बहुत ही ऑब्वियस है कि आप शॉक हो जाएंगे। इसी तरह 2006 में जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की लिस्ट से बाहर कर दिया तो पूरी दुनिया शॉक हो गई। आज हम समझेंगे कि प्लूटो की डिस्कवरी से लेकर उसके सोलर सिस्टम से निकाले जाने की पूरी कहानी को जाने दुनिया 10 मिनट में। 1906 में पर्सिवल लॉवेल ने यूएसए के एरिजोना में लॉवेल ऑब्जर्वेटरी में बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका एम था एक पॉसिबल 9th प्लैनेट को खोजना, जिसका नाम दिया गया था प्लैनेट एक्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस्टर लॉवेल की 1916 में डेथ होने तक उनको कुछ मिला नहीं, पर उन्होंने एक्चुअली ऑलरेडी प्लूटो की फोटो ले ली थी लेकिन वो पहचान नहीं पाए। फिर 1929 में एंट्री होती है 23 साल के क्लाइड टॉम्बॉ की। सर्च इज कंटिन्यू रही। फिर फरवरी 1930 को लगभग एक साल खोजने के बाद टॉम्बॉ ने प्लूटो को खोज निकाला। लॉवेल ऑब्जर्वेटरी को दुनिया भर से प्लैनेट के लिए हजारों सजेशंस आए कि इसका नाम क्या रखा जाए, जिसमें से यूके की एक बच्ची वेनेशिया बर्नी द्वारा दिया गया नाम प्लूटो फाइनलाइज किया गया और प्लूटो सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट बन गया। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि अगर आप वेनेशिया की जगह होते तो आप प्लूटो को क्या नाम देते। अब आते हैं इस बात पर कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या IAU ने प्लूटो को क्यों सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाल दिया। IAU साइंटिस्ट की एक बॉडी है जो कि सोलर सिस्टम और स्पेस में बाकी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च करती है और उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड डिसीजन लेती है। 2006 में IAU ने प्लैनेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी। न्यू डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स हैं। पहला, एक प्लैनेट सन के चारों तरफ ऑर्बिट करता है। दूसरा, प्लैनेट का मास इतना है कि उसका शेप नियरली राउंड हो गया है। तीसरा, उसने अपने ऑर्बिट के चारों तरफ के नेबरहुड को क्लियर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि प्लैनेट के ऑर्बिट में उसके आसपास की साइज के और कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, उसके खुद के सैटेलाइट्स को छोड़ के। यही थर्ड पॉइंट प्लूटो कवर नहीं कर पाया और काफी डिबेट के बाद ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो को सोलर सिस्टम के लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए। फिर फाइनली 2006 में IAU ने प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगराइज करके सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। पर हमारे किसी को किसी लिस्ट से निकालने से या नहीं निकालने से प्लूटो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अभी भी अपनी जगह ही घूम रहा है। प्लूटो की तरह मर्क्यूरी भी एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, पर इसके कई राज हाल के सालों में साइंटिस्ट ने खोल दिए हैं। तो आइए देखिए मर्क्यूरी पर एक मिनी डॉक्यूमेंट्री आपके लेफ्ट साइड वाले लिंक से। सोलर सिस्टम और स्पेस से जुड़े अन्य वीडियोस देखने के लिए क्लिक करिए अपने राइट साइड वाला लिंक। तो मिलते हैं इन वीडियोस में।